यानी शंकर जी की पैरवी पर हुए मुक्ति का दीक्षा नहीं है, समझा? तुम लोग बड़ा आसान मान लेता है, तब हम ब्रह्म दीक्षा देंगे ना, तब तुम्हारी मुक्ति होगी। सुबह चलने लगे कहा कि कुछ दक्षिणा उछिना दे। गुरु जी लो दक्षिणा जरूर मांगता है, कितना खिलाओ पिलाओ से संतोष नहीं होता, समझा? इसलिए तुम लोग भी ध्यान रखना, हम चलेंगे तो दक्षिणा जरूर मांगेंगे। दक्षिणा मांग, कुछ दक्षिणा दो बचा। तो वह जो है तैलंग जुआ था 24 साल का, अपना सिर जो है उनके पैर पर रख दिया, कहा कि क्या कर रहे हो, कुछ नोट पानी दो। तो कहा कि गुरुजी हमारे पास आए नहीं, हम दे दिए आपको। तो क्या दिया? कहा कि हम अपना सिर दे दिया ना, हम सर्वस्व दे दिए, हमारे शरीर को आप जो है अपने सेवा में रख लीजिए, हम चाहते हैं यही हमारा दक्षिणा है। कहा अच्छा हमारी सेवा करेगा? तो हाँ अच्छा, तो हम पिटते भी हैं। तो कहा कि हम पिटाना भी जानते हैं। चल तब। तो वह जो है पुष्कर के थे गुरुजी, देखो कहाँ तमिल से पुष्कर चले आए, राजस्थान में पुष्कर, वहाँ पर रहने लगे। 12 साल जब इनकी सेवा किए, 36 साल के हो गए ना, तब बुलाए कि इधर आओ रात में, तुमको अब हम ब्रह्म दीक्षा देंगे। तुम कितना जल्दीबाजी में रहता है। और जब 36 साल में ब्रह्म दीक्षा दिए, इसके बाद वहाँ पर रहे 40-45 साल तक रहे, गुरुजी मर गए तो काशी में आ गए। काशी में आए जैसा सुमेर घाट पर रहने लगे, नंगे धीड़ंगे रहने लगे, नंग। वहाँ बड़े घर की औरतें स्नान करने जाती थी। एक दिन बड़े घर की औरतें आ रही थी, नंगे बैठा था, पंडा से मिलकर बड़ी मार मरवा दी कि देखो हम लोग बड़े आदमी आ रहे हैं, नंगे देखा बैठा के आ रहा है, पिटा गई। लात जूता पिटाते हैं ना बाबा लोग, बाबा लोग के दुश्मन कौन होता है। पंडा हर जगह पिटापट हो गई, खून उन बिगने लगे, लेकिन वो अपना चुप बेहतर मुड़ी करके नीचे बैठे रहते थे, बैठे ही रहे, हटे नहीं, लंबे चौड़े पर्सनालिटी, 45-50 साल के हो गए थे। वह औरत जब रोज आती थी स्नान करने, रात में जब सोई तो शंकर जी उसके छाती पर पैर रखकर खड़े हो गए। अब लगी चिल्लाने, बा कहा कि तुम हमको, एक तरफ हमको जूता से चप्पल से मारती है, दूसरी तरफ हमारी पूजा करती है, रुद्राभिषेक करती है, मूर्ख कहीं का मार डालेंगे तुझे, त्रिशूल भिड़ा दी उसके गर्दन पर। बहुत रोई गाई करे, भगवान कहा कि वो हम ही ना हैं, मूर्ख कहीं का, हम नंगे नहीं रहे तो कपड़ा कहाँ हमसे मिलेगा रे। हम एक तरफ हमको मारती है, एक तरफ जूता चप्पल मारती है, तब हम तुमको मार देंगे गर्दन ही तुम्हारा। सुबह सुबह आई ताक बड़े घर की औरत थी, सुबह आ करके तैलंग स्वामी का पैर पर गिर करके रोने लगी, चारों ओर बनारस में हल्ला हुआ, अरे यार तो शंकर है। तब से उनको काशी का जिंदा शंकर कहा गया, 250 वर्ष जिंदा रहे, उनका आश्रम है वहाँ। खैर इनके बारे में तो बहुत बड़ी सारी कहानियाँ हैं, लेकिन यह हम इसलिए कहे कि देखो यह इतना करने के बाद भी भगवान शंकर प्रकट हुए, शंकर के रूप कहलाए, लेकिन इनको गुरु के शरण में जाना पड़ा। गुरु बिन भव नितरे न कोई, गुरु के शरण में जाना पड़ा, तब जो है उनको यह भक्ति और मुक्ति का मार्ग मिला। कबीर साहब यही कह रहे हैं कि वह परम पुरुष जो है, कहते हैं कि हम भी वह विधि बता देंगे तो वह परम पुरुष 6ठे महीने में तुमको दर्शन दे देगा, लेकिन 6ठे महीने में कोई दर्शन करना चाहे तब तो। तुम लोग भी हम कहते हैं कहीं कबीर पुकार के सबका वह विचार, कहा हमार माने नहीं कैसे छूटे भ्रमजार। कबीर साहब चिल्ला कर कह रहे हैं, कोई पुकार कर कह रहे हैं कि कोई भी हमारा बात तो माने तुम्हारा भ्रम, लेकिन कोई बात ही नहीं मान रहा है तो कैसे उसका भ्रम जाल छूटेगा। भ्रम भूत सकल जग खाया, जिन खाया तिन जहड़ाया। भ्रम भूत में ही सकल संसार के लोग जो है मर रहे हैं, उसी में जकड़ रहे हैं, उस भ्रम भूत से निकलना नहीं चाहते हैं। तो कहते हैं कि क्या करें, हम पुकार कर तो कह रहे हैं, चिल्लाते कह रहे हैं। और रही बात गीता में, भगवान कृष्ण भी अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन यह तुम्हारा भ्रम है कि यह तुम्हारा भाई है, तुम्हारा पिता है, तुम्हारा यह भ्रम वो था, यहाँ कोई किसी का नहीं है, अगर तुम सबको प्रत्याग करके मेरे शरण में आ जाओ, कहते क्या करेगा, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा, पापों से मुक्त कर दूंगा। इतनी बड़ा चुनौतीपूर्ण बात भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं, लेकिन चेत नहीं रहा। सब जो समय के सदगुरु आता है कहता है,
लेकिन वह बात नहीं मानते हैं। हम बात जो अपने मन की बात मान लेते हैं, हम लोग अपने मन का कहते हैं, जो सुना है तुम रात में खूब भांग पीस करके डुमरी आश्रम में दो व्यक्ति खूब पी लिया, बाहर उधर गंगा में नाव लगी रहती है ना, शाम को जो है जाकर नाव पर बैठ गए दोनों भांग का नशा में। नाव वाला तब लंगर लगा के चला जाता है सब, वो खूब जो है बक्सर का था तुम्हारा हित मित्र जो, वो कहा कि अरे यार जल्दी जल्दी नाव चला कर हम लोग बक्सर भाग चले नाव से। खूब रात चलाया नाव, खूब चलाते रहा। सुबह सुबह नाव वाला आया तो कहा क्या कर रहा है अरे, कहा कौन जगह बक्सर आ गए क्या हम लोग आगे बक्सर आ गया, कहाँ से चला है, कहाँ गया अरे बनारस डुमरी घटवा से चले अच्छा तो तुम लोग चोर है, तो हाँ हम लोग ना बक्सर आ गए हैं ना घाट पर, कहा कि बक्सर पकड़ा दो चटकन मार आ गया है। तो वही हम लोग भी कहीं से कोई ना कोई मंत्र तंत्र लेकर खूब पतवार भांसते रहते हैं, फिर हमारे यहाँ अगर कहता गुरु जी खूब मंत्र जाप किए ना, खूब पूजा किए किया गया, तुम्हारा पूजा वैसे ही है कि लंगर पड़ा है और पतवार चलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है, खूब कर रहा है गुरु जी पतवार, गुरु जी तो क्या कर कहक महादेव मुनि अंत न पावा, उमा सहित न जन्म गवाया, उन्हु ते सिद्ध साधक होई, मन निश्चय कहूँ कैसे होई, जब लग तन में अह होई, तब लग चेत न देखे कोई, तब चेति हों जब चेत जिह प्राणा, भया अयान तब मन पछताना, इतना सुनत निकट चले आई, मन का विकार न छूटे भाई, साखी तीन लोक मुआ कौ आए के, छूट न काहू की आस, एक अंधेरे जग खाया सबका भया निपात। कहते हैं कि देखो ये बड़ा गड़बड़ बात हो गया यहाँ, कहते हैं कि महादेव मुनि अंत न पावा, उमा सहित न जन्म गंवाया, कहा कि ये जो हम लोग सुनते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों भी उस परमपिता परमात्मा का अंत नहीं पाया है, और ये पद हैं इनके मान, जैसे बताए हैं कि अभी ब्रह्मा के पद पर विश्वामित्र हैं, इंद्र के पद पर सत्यव्रत हैं हरिश्चंद्र के पिता, उसी तरह से इन लोगों का भी सौ सौ वर्ष आयु है। यह अलग है कि जब तुम्हारा सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग बीत जाता है चारों युग, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, ऐसे दिन से ब्रह्मा जी सौ वर्ष जीते हैं, और इसी हिसाब से जब ब्रह्मा जी चले जाते हैं तब जो है विष्णु जी का एक दिन होता है, विष्णु जी उस तरह से सौ वर्ष जीते हैं, और ऐसे विष्णु भी चले जाते हैं तब शंकर जी का एक, तो वो भी एक सौ वर्ष जीते हैं, इन लोगों का ऐसे ही उम्र है। लेकिन उस परम पुरुष को आया है वेद में कि जब वह परम पुरुष और आदि शक्ति से जो हुआ है, तब एक हम बताए हैं कि एक तीन जब सृष्टि करना होता है तो एक तीन में बटता है, तीन नौ में बटता है, यह सृष्टि का नियम है। एक परमात्मा तीन में बटा, एक बार आइटम तुम तोड़ते हो तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीन में बटता है ना, इसी तरह से एक तीन में बटता है। थ्री ऑफ ट्रिनिटी क्रिश्चियनिटी भी मानती है, तो वह जो है ब्रह्मा ने पूछा है कि हम अपने पिता, वह खोजने गए हैं तो ब्रह्मा ने पिता का आदि नहीं पाया, उन्होंने झूठ बोला तो आदि शक्ति माने माँ ने उन्हें श्राप दे कि जाओ तुम्हारा कोई पूजा नहीं होगा आज, इसलिए ब्रह्मा का पूजा नहीं होता है। और विष्णु जब गए पता लगाने तो विष्णु से कहा, सच बोल दे कि नहीं हमको पिताजी का पता नहीं लगा, माने परमात्मा का पता नहीं लगा, तो कहा कि तुमने सच बोला है तुम राजा बनो, तो विष्णु राजा बने। तब शंकर जी का आया, कहा कि शंकर जी तुम जो है यह जो है विष्णु का राज कर रहा है, इसकी सहायता करो। जब विष्णु यह आया शास्त्र में कि जब विष्णु बैठे राज पर, तब ब्रह्मा जी को बुला लिए कि तुम एक जगह नहीं रह सकता है, धन नहीं रह सकता है, तो तुम चलो हमारा पूजा पाठ कराओ, क्रियाक्रम कराओ, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। इस तरह से यह सृष्टि का संचार चला। तो इसी में कहते हैं कि सच बात देखो, कबीर साहब लोग कहते हैं वहाँ की बात कह रहे हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि नहीं हम इनको मानते हैं। उमा सहित जो पहला जो सती थी, सती तो मरी, इसके बाद उमा आई, तो उमा से शादी हुआ, तो शंकर जी भी देखो इतनी लंबी आयु है, शंकर जी 108 मुंडों का माला पहनते हैं, तो यह उमा जिसको पार्वती भी कहते हैं
कि पूछे कि प्रभु आप 108 औरतों का माला क्यों मुड़ लगाए हैं। अभी हम इसीलिए लगाए हैं कि तुम एक बार पूछेगी। तो क्यों पूछे? कहा कि बहुत तुमसे प्रेम करते हैं, आई लव यू। तुम लोग भी कहता है ना। तो शंकर जी भी कह दिए। कहा कैसे? कहा कि देखो तुम्हारा 108 बार जन्म हुआ है, तो हम तुम्हारे सिवा दूसरे को हम देखते नहीं हैं ना पार्वती, इसलिए 108 बार देखो तुम्हारा मुंड का माला लगा लिए हैं। तब सती वह सब पूछी है पार्वती, अरे प्रभु ये कैसा कौन सा विधि है कि हम बार बार मर रहे हैं आप वहीं को वहीं खड़े हैं? कहें हाँ यही पूछने के लिए कहे थे। यहीं से तंत्र विधा चालू किए हैं शंकर जी, जिसको भैरव तंत्र कहा गया है, विज्ञान भैरव या स्वर विद्या। तुम लोग भी नहीं हमारी बात सुनता स्वर विद्या। तो यह जो है शंकर जी की इतनी बड़ी आयु है, इसके बाद कहते हैं कि वह भी उस परमात्मा को बारे में जानने नहीं, यदि गुरु के शरण में जाएगा तो वह बताएगा। जब लग तन में वो है होई, तब लग चेतन देखे कोई, तब चेत हो जब चेत हो प्राणा भया आपान तब मन पछताना। कहते हैं कि इस शरीर में जब तक से तुम्हारा काम क्रोध मद मोह लोभ अहंकार रहेगा, तब तक से उस परमात्मा के बारे में तुम पूछेगा नहीं, और सब जब शरीर छूट जाएगा केवल पश्चाताप करेगा कि मैं इस शरीर में आया, कुछ किया नहीं, जाना नहीं। और यदि समय का सद्गुरु मिल भी जाता है तो तुम उससे असली तत्व नहीं पूछता है, संसार के ही धन दौलत पद पैसा प्रतिष्ठा मांग करके यह समय गंवा देता है, और यह भी चुक जाता है। रामेश्वरम गया है तो देखा होगा, रामेश्वरम का समुद्र का जल एकदम स्थिर है। रामेश्वरम इसलिए है कि जब तुम्हारे मन में राम बस गए, जब राम में मन बस जाएगा तब वह स्थिर हो जाएगा ना, इसलिए वहाँ का समुद्र बिल्कुल स्थिर है। देखिए ना, जरा भी उसमें उफान नहीं है, तालाब की तरह है। कन्याकुमारी का देखा होगा, कन्याकुमारी में स्नान करने यदि जाएगा, डुबकी मारेगा, तब तक से धार मारेगा और तुम्हारा सिर जो है चट्टान में टकरा के फुटक गया रह रहेगा, इतना तेज है। क्यों? कन्याकुमारी कन्याएं उतनी चंचल होती है, कुमारी कन्याएं उतनी चंचल होती है, यहाँ बैठी है कूद कर वहाँ चली जाएगी, जानता नहीं है। बच्चों का पैर, जवान का मन और वृद्ध की वाणी पर नियंत्रण नहीं होती है। इसीलिए एक बच्चा को कहेगा यहाँ खड़ा रहने के लिए, तो तुम्हारे पलंगे पर खड़ा रहेगा, वहीं कूदते रहेगा। देखा है कि नहीं खड़ा? जवान को कहेगा कि मन पर नियंत्रण कर, कह के यहाँ पर बैठा है, लेकिन मन उसका कहीं और घूम रहा है फिल्म में। जवान लोगों से, लड़का लड़की से तुम मोबाइल छीन लो, देखो तुम्हारा कपार मार देगा। आजकल उसके मोबाइल में जान बसता है सब। इसलिए यह बात याद रखो, बच्चों का पैर, जवानों का मन और वृद्धों का जीव। कैसे हम फटाफट बोल देते हैं कभी ना कभी तुम लोगों को कुछ ना कुछ। इसीलिए लोग जो हैं घर में कहते हैं कि बुढ़वा से बड़ा तंग आ गए हैं वो गुरुजी, बड़बड़ बोलता रहता है। तंग आ जाता है ना। अब बुढ़वा कहता है कि हम तुम्हारे मन से तंग आ गए। इसलिए दोनों में लड़ाई रहती है। देखो तो कहते हैं यह विज्ञान भी उस परमात्मा की खोज में निकला है। जब विज्ञान खोजा है, आदमी का शरीर जब तौला है मरने के बाद, तो 25 ग्राम हल्का हो गया है, 25 ग्राम हल्का हुआ है। तब विज्ञान पकड़ लिया कि आत्मा का वजन 25 ग्राम है, लेकिन यह मूर्खता पकड़ रहा है, आत्मा का वजन 25 ग्राम नहीं है, आत्मा वजन नहीं है। या तो आत्मा का वजन पूरी सृष्टि है, नहीं तो वजन ही नहीं है, वेटलेस है। यह विज्ञान गलत कह रहा है। तो 25 ग्राम वजन पूछे कम किसका हुआ? यह प्राण का हुआ। प्राण जो जा रहा है आ रहा है, प्राण रुक गया, यह 50 ग्राम तुम प्राण का वजन कह सकता है, आत्मा का नहीं। जैसे तुम, यह शीशा बंद करता है कोठरी में, शीशा जब बंद करता है तो सूर्य आ जाता है ना, रोशनी, और फिर तो बंद किया रहता तो फिर सूर्य डूबता है तो रोशनियाँ रह जाता है अंदर। जब तुम्हारी रोशनी प्रकाश जो है शीशे को भेद करके बाहर चला जाता है और आ जाता है, तो आत्मा क्या तुम्हारे रोकने से पकड़ा जाएगा? इस प्रकाश से भी कमजोर है क्या? इसलिए विज्ञान को अभी खोजन इस विज्ञान से नहीं पकड़ाएगा, जब तक से इस हमारे विज्ञान को नहीं लगाएगा, परम तत्व को उपलब्ध नहीं होगा, तब तक सुबह नहीं पकड़ाएगा। कहते हैं कि इतना सुनत निकट चले आई, मन का विकार न छूटे भाई। तुमको यह सुनते सुनते मृत्यु निकट चली आती है, आ गई निकट न, निकट निकट चली आती है। फिर हम जिसकी मृत्यु को प्राप्त कर जाता है उसके यहाँ जाते हैं पुछार करने,
मालूम हो तक हम नहीं मरेंगे यही मरा है। यदि उसके मृत्यु से हम चाहते कि नहीं हमारा है, कल हमारी बारी है, तो हम चेत भी जाते। लेकिन उसको से चाहते हैं कि चलो क्या है, यह है दुनिया भ्रमी है, यह हो। एक गुरु जी भी जा करके समझा रहे थे, इसे घर मरा था, समझा रहे थे कि चलो रहना नहीं, यह देश वीराना है। उसका लड़का मरा था, समझाया समझाया आ गए। गुरु जी एक दिन देखे खूब छाती पीट पीट रो रहे थे, तो वो आई सरोज पांडे आई, गुरु जी आप कहाँ भी रो रहे हैं? सरोज पूछे, कहा कि हमारी बकरियाँ मर गई है नरे। अरे गुरु जी आपके बकरियाँ मरी है, इतना हमारे घर पर तो कह रहे थे। कहा कि अरे यार तुम्हारा ना परिवार था, उसे हमको लेन देन का है, हमारी बकरियाँ बड़ा प्रिय ने थी हमारी। यह कहन सुनन को, यह जो है सब एक दूसरे को हम लोग समझाते हैं, कहते हैं एक दूसरे को समझाने में अपने बारे में सोचते नहीं हैं। मृत्यु नज़दीक चली आती है, मृत्यु की खबर नहीं जानता, आ गई निकट चली आई। कबीर साहब कह रहे हैं देखो निकट भोजपुरी में आ गई, अब तो चेतु तीन लोक मुआ है कौआ के छुटी न काहू कि आस के अंधेरे जग खाया सबका भया निपात। आ कौआ के मर गईलन, भोजपुरी है ना, तीन लोक कौआ के मतलब किम कर्तव्य मूढ़ हो करके, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कहूँ, तीनों लोग के लोग कौआई कर किम कर्तव्य मूढ़ होकर के, कुछ समझ में नहीं आ रही है क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बार बार मरता है, बार बार जन्म लेता है और निर्णय ही नहीं कर पाता है कि हमको गुरु के शरण में जा करके अब जो है परमात्मा का भजन करना चाहिए, उस शांति को प्राप्त कर लेना चाहिए। बहुत हुआ संसार, अब हम उब गए हैं इस संसार से, उसके भजन में उसके शरण में जा करके उसमें अब शांति को प्राप्त कर लें, यह नहीं कहता है। माली आवत दे के कलिया करी पुकार, फूली फूली चुन लिया कल हमारी बार। जब माली आता है तो कली पुकार करती है ना, देखो ना कल फूला फूला ले गया, अब कल हमारी ही बार आ जाएगी। लेकिन हम माली वह तो कलियां पुकार भी कर रही है, यहाँ पर तो रोज़ जब एक आदमी मरता है और रोज़ एक पुछार करने भी जाता है कि हमको नहीं मरना, हम पूछ रहे हैं, हम कंस्टेंट हैं, स्थिर हैं, अमर हैं, चलो उपदेश हम दे रहे हैं, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। कहते हैं कि एक भी हम लोग किसी के मरने से जीने से, कबीर साहब कहते हैं कि हम एक आदमी भी अपने उपदेश सीख लेता तो वह कौआ कर नहीं मरता, माने खौफ बेखौफ होकर नहीं मरता, कम से कम वह परमात्मा का स्मरण करता और स्मरण जब करता तो वह शांत होता और वह मरता तो उसे मृत्यु का भय नहीं होता। जैसे यह कुर्ता निकाल रहा है, शर्ट निकाल रहा है, उसी तरह से यह जो है अधम शरीर को छोड़ करके और कहीं बरिश शरीर को पकड़ करके आनंद को प्राप्त कर लेता। बस आज इतना ही।